और कासिम क्षेत्र के खैराल गांव में एक ऐसा रास्ता भी है जिसमें भारी कीचड़ जमा हो गई, जिसके चलते गत 15 वर्षों से इस रास्ते से लोगों का आना जाना बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस रास्ते से आते जाते थे, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इस रास्ते की अनदेखी के चलते यहां भारी कीचड़ जमा हो गया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे यह रास्ता पूर्ण रूप से कीचड़ के आगोश में समाता चला गया। समय गुजरने के साथ ही इसमें जंगली पेड़ पौधे भी उग आए, जिन्होंने इस रास्ते को बिल्कुल बंद सा कर दिया है। आज स्थिति यह है कि इस रास्ते से लोगों का गुजरना तो दूर जानवर भी नहीं गुजर सकता। नीचे कीचड़ उसके ऊपर उड़कर आई पॉलिथीनों ने यहाँ नरक जैसा हालत बना दिया है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वहीं इसके साथ ही यहाँ जमा कीचड़ ने मक्खी मच्छरों के प्रकोप को भी बढ़ावा दिया है, जिससे इस रास्ते के आसपास से वाशिंदे बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। स्थानीय निवासी योगेंद्र ने बताया कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि रास्ते से सारा कीचड़ आसपास के घरों में भी घुस जाता है। प्रशासन सहित आला अधिकारियों की नजरें बंद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसको लेकर कई बार ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं छोटे से लेकर बड़े से बड़े चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आने वाले सभी प्रत्याशियों को भी समस्या से अवगत करवाया जाता रहा है, लेकिन चुनावों के बाद कोई वापस मुड़कर नहीं आया। इधर ग्राम पंचायत तो जैसे गहरी नींद में सो रही हो। आखिर कब होगा इस समस्या का समाधान? आखिर इस रास्ते से कब हटेगा कीचड़ और आमजन का कब निकलना शुरू होगा इस रास्ते से? इन सवालों का जवाब न ग्राम पंचायत के पास है और न ही आला अधिकारियों के पास है। ये जो आम रास्ता ग्राम खैराल से ठाठगा की तरफ जाता है और ये विगत 15 सालों से इसी हालात में रहे, इसमें निकलना बिल्कुल दूभर है। इंसान तो क्या, यहाँ से कोई जानवर नहीं निकल सकता। और हमारे द्वारा बार बार पंचायत को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति पर बार बार शिकायतें या समाज के बारे में से जो यहाँ रखी गई, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। यह एक दलित बस्ती है और इस पर सरकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये रास्ता, हमारा जो आम रास्ता है, ये सुचारू रूप से सही हो, इसकी साफ सफाई की जाए और ये बिल्कुल क्लोज रास्ता हो रहा है, ये हमारा निवेदन। ये जो रास्ता आपके सामने है जी, ये जो रास्ता आगे कितने घरों के लिए ये जा रहा है, आगे कहाँ जा रहा है मुख्य रास्ता? ये जो सब रास्ता यहाँ से जा रहा है, ये ग्राम खैराल से स्टार्ट होकर के ये आगे गांव ठाठगा है। आप लोग इस रास्ते से कब निकले थे? इस रास्ते से निकले हुए 20 साल हो गए। तो इस रास्ते को क्या ग्राम पंचायत या जनप्रतिनिधि इसको ध्यान नहीं देते? आप लोग चुनाव वगैरह में आते हैं तो उन लोगों को बताते नहीं कि भाई हमारा ये रास्ता, इसका समाधान किया जाए? बिल्कुल साहब, जो भी यहाँ पे आते हैं ग्राम पंचायत से, जो भी आते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, हम सबसे पहले इस समस्या को हम सबसे पहले रखते हैं। और यहाँ पर जीना बड़ा दूभर हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हालात हो रहे हैं कि यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ सकता है। विगत 20 सालों से ये रास्ता क्लोज है और यहाँ पे हम निकल नहीं सकते हैं।